शाम के 4:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि राम मंदिर का नया डिजाइन सामने आ गया है, जिसको देखने के लिए जो राम भक्त हैं वो बेकरार हैं। नए डिजाइन की तस्वीरों में राम मंदिर और भव्य और सुंदर दिख रहा है, उसका जो नक्शा है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नए डिजाइन की तस्वीरों में मंदिर का जो शिखर है वो बेहद ऊंचा है, ये देखिए। ये हम इसके पहले हमने आपको नक्शा दिखाया और ये राम मंदिर जिस तरह का बनेगा उसकी भव्यता में, उसकी दिव्यता में कहीं कोई कमी ना रह जाए। पहले राम मंदिर का जो नक्शा डिजाइन किया गया था उसके मुकाबले इसको और ज्यादा वृहद बड़ा स्वरूप दिया गया है, जिसमें आप एक बेहद ऊंचा शिखर देख रहे हैं तस्वीरों में। मंदिर के मुख्य आर्किटेक्ट ने, जो कि निखिल सोमपुरा है, उन्होंने आज तक से बातचीत में बताया है कि मंदिर का ये डिजाइन है और यहां पर कोई कमी ना रह जाए, राम भक्तों की सालों से जो मुराद हो उसको पूरा होने में कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ रहे, इसी वजह से उसको और भव्य रूप देने में लगातार इस काम में जो लोग लगे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आपको बता दें भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ विराजेंगे, उनके साथ हनुमान जी भी होंगे, जैसा कि हमने त्रिपाल में रामलला को देखा था। और उसके ऊपर 3 मंजिला, ये राम यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर माना जा रहा है कि भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम यादों को संजो कर रखा जाएगा। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे सीता रसोई होगी, इस तरह से डिजाइन किया गया है। 3 मंजिला 5 शिखरों वाला मंदिर, जिसका पूरा का पूरा प्लान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज तक की टीवी स्क्रीन पर। प्रस्तावित डिजाइन से करीब 2 गुना बड़ा होगा मंदिर, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आप ले लें, क्योंकि यकीनन सदियों का जो इंतजार था वो पूरा होने जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 141 से बढ़ाकर अब 161 फीट कर दी गई है। राम मंदिर की लंबाई को भी बढ़ा दिया गया है, 360 फीट राम मंदिर की लंबाई होगी। एक बार में 25,000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता होगी, जिसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी गई है। स्टील लोहा नहीं बल्कि सिर्फ पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा इस राम मंदिर के निर्माण में, यानी कि प्राचीन काल से जिस सनातन पद्धति को फॉलो किया गया है मंदिर के निर्माण में, बिल्कुल वही दिव्यता देने की कोशिश। और इसी पर राम मंदिर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक सिंघल के साथ जुड़ चुकी हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी। अशोक, सीधे आपका रुख करते हैं। बिल्कुल, बीजेपी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो मंदिर मुद्दे से, मंदिर आंदोलन से राजनीति में आए। उमा भारती भी एक ऐसी नेता है जो मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही और संन्यास से सियासत में पहुंची। 6 दिसंबर 1992 को उमा भारती अयोध्या में मौजूद थी। क्या 5 अगस्त 2020 को भी उमा भारती अयोध्या में मौजूद रहेंगी? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद उमा भारती जी। उमा भारती जी, आज तक में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे मेरा ये है, नमस्कार, क्या 5 अगस्त 2020 को आप अयोध्या में मौजूद होंगी जिस दिन भूमि पूजन होगा? जिस समय पर और जिस हालात में कोरोना के समय पर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होना है, उसमें कितने लोग वहाँ पर उपस्थित हो सकेंगे, ये सारी बातें मुझे लगता है कि पीएमओ और राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े हुए लोग देख रहे होंगे, तो उसके अनुसार मुझे भी सूचना मिलेगी तो मैं तो अवश्य जाऊँगी, क्योंकि मैं तो जान की बाजी लगाई हुई थी, अपने आप को मतलब अपना बलिदान देने के लिए तैयार थी। और मैं इस अभियान के साथ लगभग 20 साल जुड़ी रही, 5 शताब्दियों से चला यह आंदोलन था, अभियान था, और इसमें पूरी दुनिया के लगभग 1.5 अरब लोग, यानी 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो भारत के हैं, और भारत के बाहर जो भारतीय हैं वो सब इस अभियान को बहुत ध्यान से देखते रहे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा के बाद पूरे देशवासियों ने जिस एक रास्ता के साथ इसको स्वीकार किया है, ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण बना, और इसलिए हमारे लिए तो जीवन का एक ऐसा रोमांचकारी क्षण है कि मैं जहाँ भी होंगी मुझे उतनी ही खुशी होनी है, मैं वहाँ होंगी तब भी और मैं यहाँ जब बैठी हूँ तब भी मुझे उतनी ही खुशी होनी है। मेरे लिए इससे अच्छा क्षण कोई नहीं हो सकता। इसके बाद अगर मैं जीवित ना भी रहूँ, भगवान मुझे उठा ले जाए, तब भी मैं प्रसन्नता से चली जाऊँगी, क्योंकि जीवन का ये कार्य संपूर्ण हो गया। उमा भारती जी, अभी आपको न्योता नहीं मिला है वहाँ का भूमि पूजन का? अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोरोना की स्थितियों को देखते हुए कितने लोग वहाँ रह सकते हैं स्पॉट के ऊपर, ये सारी बातें तय, सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए अभी बन रहा होगा। और मैं इस बात को लेकर, आप यकीन करिए मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मन में एक भी पल के लिए ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं या होंगी कि नहीं। मेरे मन में यही प्रसन्नता है, प्रसन्नता का
चरमोत्कर्ष है मेरे अंदर कि हम भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी कर रहे हैं और पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एकमत होकर स्वीकार कर चुका है। ये मेरे लिए बहुत भौचक्की करने वाली बात है, इसलिए मैं तो इस अवसर का लाभ उठाऊंगी और देश के उन राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगी जो हमारे विरोधी कहलाते हैं, जो राजनीतिक दल हमारे विपक्ष कहलाते हैं, कि कृपया माहौल मत खराब करिए, चाहे शरद पवार जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों। और जितने आनंद के साथ ये हो रहा है, जैसे सोमनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, इसी प्रकार से ये हो रहा है, इसको होने दीजिए आनंद के साथ। उमा भारती जी, आप कहा करती हैं अक्सर कि फांसी पे चढ़ जाऊंगी, कहती भी रही अक्सर आप जब आप मंत्री थी कि मेरे राम मंदिर जरूरी है, मंत्री पद जरूरी नहीं है, मैं फांसी पे चढ़ सकती हूं इसके लिए। तो 6 दिसंबर 1992 को जब वहां मौजूद थी, तो आपको नहीं लगता कि जिसकी लड़ाई लड़ी आपने इतने सालों तक आंदोलन के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, तो आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है कि आप 5 अगस्त की उस घड़ी पे भी आप मौजूद रहें? आपकी दिली इच्छा है वहां मौजूद रहने की कि वो पल भी आप देखें? आपने थोड़ा सवाल समय से पहले कर रहे हो ना, क्योंकि 5 अगस्त है, उसमें अभी थोड़ा समय है, 2-3 दिन में हो सकता है कि कोई सूचना आवे कि कितने लोग वहां होंगे, इसलिए मैं इसी प्रकार से उत्तर दे पाऊंगी ना अशोक जी, मैं अपनी मर्यादा के कारण नहीं बोल सकूं आपको, और कोई कारण नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि 200 लोगों की सूची बनाई गई है, 200 लोगों को इनवाइट किया गया है, तो आप 200 लोगों में भी नहीं है क्या? अब सूची जिनकी बनाई गई उन 200 को भी सूचना थोड़ा ना मिली है कि वो 200 हैं कौन, तो इसलिए मैं कैसे कह दूं। मैं तो ये कह रही हूं कि जो ढांचा गिरा उसके बाद साजिश में जिन 6 लोगों को दोषी माना गया उनमें से एक मैं भी हूं, इसलिए जो हालात होंगे अब, क्योंकि हम पे अभी केस भी चल रहा है, मैं अभी CBI के स्पेशल कोर्ट में उपस्थित हुई थी लखनऊ में इसी बारे में, और आपको अगर याद हो अशोक जी कि आज तक हमारी इस यात्रा का गवाह रहा है, लगभग मैं उन नेताओं में से हूँ जिसने कभी भी राम मंदिर के अभियान में भाग लेने के लिए खेद व्यक्त नहीं किया है, शर्मिंदगी व्यक्त नहीं की है, मैंने कभी भी इसमें इधर उधर नहीं किया है, आंखें नहीं झुकाई हैं, मैं एक ही बात बोल रही हूँ, इस अभियान से जुड़ना मेरे जीवन का गौरव है और इसके जो परिणाम होंगे उसको वो मुझे मेरा गौरव और बढ़ाएगा, मुझे कभी भी इस बात को कहने में संकोच नहीं हुआ अगर आपको स्मरण हो तो। और मैं मुख्यमंत्री भी बनी, मैं केंद्र में मंत्री भी बनी, मैं एक बात जरूर आपकी थोड़ा संशोधित कर दूंगी, मेरा राम जन्मभूमि अभियान से जुड़ना और मेरी राजनीति, ये दोनों बिल्कुल अलग बिंदु थे। राजनीति मैं कर चुकी थी, मैं दूसरी बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जब 6 दिसंबर की घटना हुई है, तो वो मेरा सेकेंड टर्म था, क्योंकि आपको याद हो बहुत जल्दी चुनाव हो गया था, एक तो मैं 89 में चुनाव जीती और फिर 91 का चुनाव जीती और फिर ये 6 दिसंबर की घटना हुई। खजुराहो बुंदेलखंड में बहुत शोषित और गरीब इलाका है, मेरा मुख्य मुद्दा रहता था कि अन्याय नहीं होने देना इस इलाके के साथ, राम मंदिर अभियान में जुड़ने का भी यही कारण बना, मुझे लगा सारे विश्व के हिंदू समाज के साथ ये अन्याय है कि जहां उनके आराध्य जन्मे हैं वो वहां पर मत्था नहीं टेक सकते, और इसी भाव से मैंने उस अभियान में भाग लिया। वह बिल्कुल सच्चाई, आप यकीन मानिए मैं वहां मर सकती थी अयोध्या में, 2 बार ऐसा हो गया जब गोलियां चली हैं और मुझे गोली लग सकती थी और हमें एक भी पल का भय नहीं आता था, बल्कि मुझे खुशी होती थी कि हम मर जाएंगे तो गर्व करेंगे देश के लोग और हमारे पूर्वजों, मेरी माँ की कोख धन्य हो जाएगी। इसलिए वो 200 लोगों की सूची में मैं हूं कि नहीं, क्योंकि मैं तो उन 6 लोगों में हूं ना फिर, तो इसलिए आप जरा एक दो दिन का समय दे दो इसके लिए, ठीक है? उमा भारती जी, आप हमेशा कहा करती थी कि मंदिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सबसे बड़ा आपका सपना है, आप चाहती हैं, तो आगे क्या? ये कहा करते थे आप ही लोग, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो क्या अब आगे क्या होगा, क्या आगे मथुरा काशी की बात होगी? एक संसद में एक पूजा स्थली विधेयक पारित हो चुका है जिसमें ये हुआ है कि जो 1947 के जो हालात थे धार्मिक स्थलों के, उनको बरकरार रखा जाए, जिसमें राम जन्मभूमि नहीं शामिल है, तो इसलिए अभी हम इसी पर फोकस करेंगे और अभी हम इसी पर बात करेंगे। ये सच्चाई है कि मथुरा और काशी के बारे में महामना मालवीय जी की उपस्थिति में एक करार हुआ था, अब उस करार के बारे में अभी बिल्कुल भी चर्चा करना ठीक नहीं है, अभी तो मैं एक ही बात चाहती हूँ कि पूरे देश के लोग एकजुट होकर के जिस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किए हैं हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के, और जो एक रस्ता का वातावरण बना, एकात्मता का वातावरण बना, वैसा ही वातावरण आगे बना रहे। अभी एक समाचार आ रहा था अशोक जी,
टीवी पर कि ये मुहूर्त की बात आई है, आप शायद उसको सवाल के रूप में करने वाले होंगे, मैं पहले ही जवाब दिए देती हूँ। राम के नाम के बारे में तो ये कहा गया है कि आप 24 घंटे में कभी भी राम का नाम लीजिए और राम का काम करिए, तो आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना, इसलिए इसमें मुहूर्त की बात नहीं है। बात यह है कि अब जल्दी निर्माण का कार्य शुरू हो, क्योंकि कोरोना के काल की वजह से जो चीज़ बहुत पहले शुरू हो जानी थी वो शुरू हो नहीं पाई, तो इसलिए इन सब में हम ना पड़ें। और मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगी, मैं आपको नहीं कह रही हूं बल्कि मैं आपके माध्यम का उपयोग कर रही हूं इस बात के लिए। उमा भारती, भूमि पूजन की जहां तक बात हो रही है तो उसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। शरद पवार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, जो आपकी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, या दिग्विजय सिंह हो, सबने कहा है कि भूमि पूजन उतना जरूरी नहीं है बाकी मुद्दों को। कोरोना क्या भाग जाएगा भूमि पूजन करने से? क्या आर्थिक हालात जो वो ठीक हो जाएंगे, उन वो प्रायोरिटी रखनी चाहिए। माननीय कोर्ट ने यह कहा था कि 3 महीने के अंदर मतलब एक समिति बन जाए और जमीन ले ली जाए। अब मंदिर के निर्माण की तैयारी के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो कोरोना में लगने वाले लोग नहीं हैं, जैसे कि कारीगर हैं, इंजीनियर हैं, या वो कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन करेंगी। उन कोरोना में लगे हुए योद्धा अलग हैं, और प्रधानमंत्री जी वहां सिर्फ 2 घंटे के लिए जाएंगे। जो शरद पवार जी ने कहा, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वो मैंने सुना और मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरा विश्व बाट जो रहा है उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री अगर 2 घंटे के लिए चले जाएंगे तो इससे कोरोना पे क्या असर पड़ेगा? कोरोना के लिए तो लोग काम में लगे हुए हैं ना, जिनको काम में लगा होना है, उनमें से एक भी वहां नहीं होगा जिसको कोरोना के काम पे होना है, वो तो वहां एक भी नहीं होगा, एक भी व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होगा। उमा जी, एक सवाल ये है कि मंदिर मुद्दे पे बहुत से चुनाव लड़े गए, बीजेपी लड़ती आ रही है लगातार चुनाव मंदिर मुद्दे पे लड़े, तो आपको लगता है कि अब ये चुनावी मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जो हिंदुत्व की राजनीति प्रखरता की तरफ बढ़ी थी मंदिर मुद्दे के साथ, क्या वो और ज्यादा प्रखर होगी या वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए हिंदुत्व की राजनीति मंदिर मुद्दे से जो जुड़ी थी? हमारे लिए राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। आप स्मरण करिए अशोक जी, जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी है, पहले माननीय कोर्ट के ऑर्डर से ताले खुले हैं, बीजेपी के ऑर्डर से नहीं। जब ताले खुल गए तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी और उन्हें अनाउंस किया कि हम वहां नमाज पढ़ेंगे, हम ताला खुलने के ऑर्डर को स्वीकार नहीं करते हैं। तब हमने पालमपुर के अधिवेशन में 89 में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव रखा कि हम भव्य राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हैं। राजनीति शुरू की थी कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के समय पर, जब वहां रामलला प्रकट हुए और उन्होंने ताले लगवा दिए और उनको बताया गया कि ताले लगे रहेंगे तो मुस्लिम खुश रहेंगे और रामलला की पूजा होती रहेगी तो हिंदू खुश रहेंगे। ये जो इनकी चाल थी उसके कारण उसी समय इसका समाधान नहीं हो पाया। फिर राजीव गांधी ने स्वयं वहां से रथ यात्रा निकाली, अपनी कैंपेनिंग शुरू की 91 में, ये कहती हो कि हम रामराज लाएंगे। चुनाव इन्होंने तो राजनीति तो इन्होंने की है, अब आप हमारी याद करिए। हमने पालमपुर के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद हम 91 में बहुमत नहीं आया लेकिन राम मंदिर हमारा मुख्य एजेंडे में रहा। फिर 96 का चुनाव हुआ, 6 दिसंबर हो चुका था, हम चाहते तो ये सोच लेते कि हमारी कई सरकारें हमने गंवा दी हैं राम मंदिर के कारण, खुद उत्तर प्रदेश की गंवा दी है, अब राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमारे मुद्दे में रहा, हमारे 98 के मुद्दे में भी रहा, 99 में हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा हमारा बना है। हमने राम मंदिर को कभी चुनाव से नहीं जोड़ा, आस्था से जोड़ा और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा। मैंने स्वयं भी कभी भी कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की, जबकि मैं आडवाणी जी की सेकंड लेफ्टिनेंट थी इस पूरे अभियान में। इसलिए चुनावी मुद्दे से अगर जोड़ा है तो देखिए ना, आज शरद पवार और दिग्विजय सिंह क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहा है ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं शरद पवार से अपील करूंगी, ये बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, और दिग्विजय सिंह जी भी गंभीर और जिम्मेवार हो जाएं कम से कम इस मुद्दे को लेके। प्लीज देश का माहौल मत खराब करिए। 2 घंटे के लिए भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, उससे कोरोना बिगड़ने वाला नहीं है और इन 2 घंटों में वो हो जाएगा। आप शांति रहने दीजिए, देश में ने शांति से स्वीकार कर लिया, इनके मन को जलन है, तकलीफ है, ये जहर फैलाना चाहते हैं देश में और उसको उकसा रहे हैं जहर को, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ये असफल हो जाएंगे। और इसलिए हमने कभी इसको चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ा, हमने तो कितना नुकसान उठाया है चुनावी राजनीति में इसका। और जब हमने सरकार बनाई केंद्र में स्पष्ट बहुमत से 2014 में, तो मोदी के नाम पे सरकार बनी, 2019 में वो मोदी के नाम पे सरकार बनी, लेकिन फिर भी हमने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा, क्योंकि राम हमारे लिए वोट की राजनीति नहीं है, राम हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है, आत्मगौरव का विषय है, प्राण देने वाला विषय है। उमा जी, जो बीजेपी का एजेंडा रहा हमेशा से राम मंदिर, वो पूरा हो गया तो आपका हो या बीजेपी का हो, लेकिन आगे क्या, आप कौन सा एजेंडा आप या बीजेपी लेके चलने वाली, खासतौर से आपकी अगर बात की जाए?
ओके, वो मैंने मिस किया, आपने सवाल मुझे किया था, मुझे माफ करो, क्योंकि मैं एकदम भावुक हो गई ये बात सुनकर के कि हमने, मैं खुद सेकंड टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और मैं बहुत फेमस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जब मैं राम जन्मभूमि अभियान में जुड़ी हूँ। हमारा कोई, मेरे चुनावी राजनीति का उससे कोई संबंध ही नहीं था। आपने जो दूसरी बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे क्या, आगे है कोरोना की विभीषिका में एक बात सामने आ गई कि एक तरफ लोग पैदल चल रहे थे लू में, गर्म हवाओं के बीच बच्चों पैदा हो रहे थे, एक बच्चा अपनी माँ के शव पे पड़ा हुआ कफन खींच रहा था माँ को जिंदा समझ करके, साइकिल पर एक बेटी अपने बाप को ले जा रही थी, लाखों लोग पैदल चल रहे थे अपने घर पहुँचने के लिए, और दूसरी तरफ उसी समय पर कुछ लोगों के कुत्ते हवाई जहाजों से लाए जा रहे थे। ये सुन लीजिए मेरी बात, वही मैं आपको कह रही हूँ, ये जो अंतर है हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में कि कुछ लोगों के कुत्ते भी हवाई जहाज से लाए जा रहे थे और वो उन कुत्तों के लिए 1,10,000 और 1,05,000 का किराया दे रहे थे, और दूसरी तरफ लोग पैदल चल रहे थे, बच्चों को साथ में लिए हुए, दो दो तीन तीन दिन भूखे रेल की पटरियों पर लेटे हुए मर गए। ये बहुत बड़ी चुनौती है अमीर और गरीब के बीच की, ये जो खाई है ये राम राज्य से पटेगी, इसलिए आगे अब है कि एक ऐसा सुशासन लाया जाए जो देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश का अन्याय दूर करे और देश के आम आदमी को रोटी के, दो टाइम की रोटी और इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार दे। ये मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे यकीन है कि वो पूरा करेंगे। राम मंदिर तो हो गया, हमें प्रसन्नता है, अब राम राज्य है जो हमें पूरा करना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।